मैं एक बहुत जानदार इंग्लिश सीखने वाला हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेहतर करने वाला हूँ कि किसी भी लेवल पर जाके इंग्लिश में बात करूँगा और सामने वाला हल्का सा मुस्कुरा दे तो उसको बोल दें मैं बहुत आई मीन इट। क्या बोलेंगे आप? आई मीन इट। जिसे हिंदी में हम काम कहते हैं काम, उसे इंग्लिश में हम वैक्शन बोलते हैं। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, काम है, आप बोल रहे हैं, ये भी एक, बोला नहीं आपने मेरे साथ, बोली एक बार, क्या बोला आपने? एक्शन है। इसे स्कूल लेवल पर कुछ ने एक्शन बोला तो कुछ ने इसको वर्ब्स बोला। सबसे पहली जरूरत, आप लोगों को इस एक्शन पे पकड़ होनी ही चाहिए। अभी मैंने एक वर्ड बोला, होना ही चाहिए। एक नया एक्सप्रेशन अपनी नोटबुक का हिस्सा बनाना है और आज से इंग्लिश में बोलना है मेरे साथ। देखिए मैंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को मेरे साथ चलना। ये एक्सप्रेशन है इट और इस के एक सेंटेंस से बनने वाला। एक बात और मैं आप लोगों को कहूँगा, आज से इट और इसको आप अलग अलग नहीं बोलेंगे, इसको हमेशा आप जोड़कर मेरे साथ बोलेंगे। और जब इसे हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये बन जाएगा इट्स। इट्स के बाद थोड़ा सा आगे कैरी करते हैं और ये आ है। आ के बाद आपने यहां पे बोला मस्ट, मस्ट। और इसको पूरा अगर संडेस बोले तो ये बोलेगा इट्स अ मस्ट। ये इट एक्चुअल में उस बात की तरफ इशारा कर रहा है जिस बात को अभी अभी आपने कहा और कहने के बाद कहा ये तो जरूरी है। जैसे मैंने क्या कहा कि आप लोगों को एक्शंस पे पकड़ करनी है। आप चाहें तो यहां पे इसका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अ गुड जॉब इज अ मस्ट, अ गुड जॉब, जॉब मतलब नौकरी और गुड का मतलब अच्छी नौकरी, तो मैंने बोला अ गुड जॉब। ठीक से सुना आपने, अ गुड जॉब, बोल के दिखाओ। यस, अ गुड जॉब इज अ मस्ट। जैसे मैंने कहा आज के टाइम में व्यक्ति के पास पैसे का होना इट्स अ मस्ट। फिर आप बड़ा करके बोल सकते थे तो मनी इज अ मस्ट, तो आप इसे बोल सकते मनी इज अ मस्ट। मैं विश्वास करके बैठा हूं, आपने कहा था ना टेक माय वर्ड, आपने बोला था, तो मैं विश्वास करके बैठा हूं कि आप ऐसा करेंगे और उस बात को लेके मैं सच में सीरियस हूं। और जब मैं कह रहा हूं मैं सीरियस हूं तो क्या बोलेंगे? आई मीन इट, आई मीन इट। उसने कहा मैं एक बहुत जानदार इंग्लिश सीखने वाला हूं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना बेहतर करने वाला हूं कि किसी भी लेवल पर जाके इंग्लिश में बात करूंगा और सामने वाला हल्का सा मुस्कुरा दे तो उसको बोल दें मैं बहुत आई मीन इट। क्या बोलेंगे आप? आई मीन इट। और ये मेरे साथ आप बात कर रहे हैं और मैं जेन्युइन तरीके से कह रहा हूँ, ये बातचीत जो आप मेरे साथ कर रहे हैं ना, इसके बिना काम चलेगा भी नहीं। ये बातचीत का होना इट्स अ मस्ट। अब आइए अगली बात। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Darpan and make your IELTS SSC dreams come true. Download the app now.